हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन uh, करेंगे सेंट्रल फोर्स के ऊपर हम लोगों ने सिंगल बॉडी सिस्टम का पूरा थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर लिया था लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में और अब उसका एप्लीकेशन देखें कैसे हम लोग उसको जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है कैसे उसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन करते हैं ठीक है तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल ऑफ मास फिफ्टी ग्राम

ये यूज किया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ठीक है सो ग्राम में दिया हुआ है आपको मास द पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स अंडर एन अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 आर क्यूब डाइन जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है वो 4 आर क्यूब डाइनस है मैग्नीट्यूड और जो नेचर ऑफ फोर्स है वो अट्रैक्टिव है नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव ठीक है आगे क्या बोला फाइंड द अच्छा एक अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको The angular momentum is equal to 1000 gram centimeter square second. Find the effective potential energy, and second is indicate on a sketch of effective potential the total energy for the circular motion. And third part is if the effective potential at R0 and 2R0 are equal, find R0. Let us do this question. This question look. देखो फोर्स का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है फोर्स दे रखा है आपको अगर फोर्स का एक्सप्रेशन लिखे हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स है मैंने आपको बताया था सेंट्रल uh, फोर्स पढ़ रहे थे हम लोग कि सेंट्रल फोर्स सिंगल बॉडी सिस्टम का इस तरीके से लिखते हैं हम लोग एंड दिस इज नेगेटिव इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड आर इज पॉजिटिव इफ फोर्स इज रिपल्सिव तो यहां पे आपको दे रखा है अट्रैक्टिव फोर्स है यहां पे ठीक है तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो माइनस लगा लेंगे और मैग्नीट्यूड दे रखा है ये ये फोर्स फोर्स का का एक्सप्रेशन हो का एक्सप्रेशन हो हो जाएगा जाएगा सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल निकालना है आपको पहले पहले इफेक्टिव पोटेंशियल निकालने के लिए इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है इफेक्टिव पोटेंशियल इज वी इफेक्टिव इक्वल्स टू सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल प्लस फिकल फोर्स पोटेंशियल सिंगल बॉडी सिस्टम है तो म्यू जो है एम हो जाएगा यहाँ पे, म्यू विल बी एम सिंपली ठीक है ये इफेक्टिव पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है तो पहले सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल निकाल लें माइनस ऑफ एफ आर डी आर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट पी रेफरेंस पॉइंट क्या है आई ऑलडी टोल्ड यू मैंने आपको बताया था पहले भी कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ये एफ आर जीरो हो जाए सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल जीरो हो जाए तो आपका एक्सप्रेशन क्या है फोर आर क्यू टाइम्स तो ये सेंट्रल फोर जीरो कब होगा सेंट्रल फोर्स विल बी जीरो व्हेन आर जीरो, सेंट्रल फोर जीरो होगा व्हेन आर इज़ जीरो इसको थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा यू सी दिस फोर्स फोर आर क्यू जीरो कहाँ होगा जहां आर जीरो हो जाएगा तो रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर सेंट्रल फोर्स इज जीरो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है थ्योरी में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है फोर आर क्यूआर कैप डी आर एंड जीरो टू आर ठीक है ई आर डॉट डी आर इज डी आर बेसिकली रो आर फोर सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल आर फोर आर फोर हो जाएगा आपका इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा इफेक्टिव पोटेंशियल हो जाएगा आर फोर प्लस एल स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर

तो आपका आ जाएगा ये इफेक्टिव पोटेंशियल इज गोइंग टू बी इफेक्टिव पोटेंशियल इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल प्लस सेंटिफिकल फोर्स पोटेंशियल और ये आ रहा है हमारा आर फोर प्लस टेंस पास सिक्स ये सौ हो गया टेन्स पास फोर हो जाएगा टेंस फोर

सो ऑन द स्केच ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल वी हैव टू शो इंडिकेट द टोटल एनर्जी फॉर सर्कुलर मोशन तो इफेक्टिव पोटेंशियल का ग्राफ पहले ड्रा कर लेते हैं हम लोग दो टर्म है आर फोर और टेन फोर बाई आर स्क्सो तो अगर इंडिविजुअली पहले ड्रा करें हम लोग आर फोर का ग्राफ क्या होगा आर फोर का ग्राफ आर uh, स्क ग्राफ जानते हैं आप जैसे आर स्क्वायर ग्राफ ये होता है पैराबोलिक ठीक है तो आर क्यू का और था स्लिप करते हुए जाएगा जो फॉर वेरी स्मॉल आर जितना आर का ज़्यादा पावर होगा वो ग्रेजिंग टाइप का होते जाएगा मतलब स्लिप करते हुए जाएगा इट विल बी नियरर टू दिस आर एक्सिस एन आर इज़ वेरी स्मॉल क्योंकि आर जितना स्मॉल रहेगा उसका पावर उतना ही स्मॉल होता जाएगा ठीक है तो आर फोर का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए दूसरा कलर लेते हैं दिस आर एक्सिस सो द ग्राफ ऑफ आर फोर विल बी इट विल बी लाइक दिस द ग्राफ ऑफ आर फोर ये फॉलिंग कर्व है वन बाई आर स्क्वेर इट लाइक दिस ठीक है दिस इज इफ आर फोर एंड दिस इज इन आर फोर बाई आर स्क्वेयर राइट अब इसका सम क्या होगा सम विल बी अब ऑफ बोथ द कर्व सामने इसका इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा नहीं कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा तो वी इफेक्टिव ग्राफ समझ रहे ग्राफ ऑफ वी इफेक्टिव विल बी लाइक दिस ठीक है डू अंडरस्टैंड ग्राफ ऑफ r4 इज दिस वन ग्राफ ऑफ टेंस ऑफ 4 बाय r2 इज दिस तो दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन है फॉर पॉजिटिव r r इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है r इज डिस्टेंस डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव तो वो था पॉजिटिव ग्राफ पॉजिटिव फंक्शन और उनका जो ग्राफ होगा दोनों ऐड करके हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दिया येल्लो से ठीक है तो इसको जरा हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते like फोर का ग्राफ हो जाएगा आर ओके okay. ठीक है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इंडिकेट ऑन द स्केच ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल द टोटल एनर्जी फॉर सर्कुलर मोशन देखो सर्कुलर मोशन कब होता है इज द मतलब इफ आर नॉट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन देन यू हैव सर्कुलर मोशन ओनली वेन आर टू आर नॉट इज द ओनली क्लासिकली अलाउड डिस्टेंस कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर ही क्लासिकली अलाउड डिस्टेंस होता है उस केस में सर्कुलर मोशन होएगा ठीक है मतलब आर का कोई रेंज नहीं होता आर आर का जो वैल्यू है सर्कुलर मोशन के में वो फिक्स हो जाता है इट इज ओनली यूनिक वैल्यू आर का वैल्यू यूनिक हो जाता है मतलब आर का वैल्यू रेंज में रहेगा तो तो इलेप्टिकल मोशन भी हो सकता है पर सर्कुलर मोशन में आर इज फिक्सड आर इज यूनिक आर हैज गॉट ओनली वन वैल्यू वेन यू मूव इन अ सर्कल द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स इज फिक्स ठीक है तो आर का सिर्फ एक ही वैल्यू अलाउड होगा और वो कब होगा जब इनर्जी देखो क्लासिकली अलाउड जो वी इफेक्टिव है इट इज लेस देन इक्वल टू इनर्जी ये क्लासिकल कंडीशन सेंट्रल फोर्स मोशन का ठीक है तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे सेटिसफाई होना चाहिए ये जो इक्वेशन है कंडीशनल सेंट्रल फोर्स मोशन है वो आर का सिर्फ सिंगल वैल्यू पे सेटिस्फाई होना चाहिए तो उस केस में इनर्जी क्या होगा इनर्जी वुड बी लाइक दिस इस टाइप का एनर्जी हो जाएगा एनर्जी जो है टेक एनर्जी लाइक दिस, एक पॉइंट पे एक टच करे ठीक है तो आ, सही नहीं ड्रा हुआ है जी डिलीट करता, हूं ठीक है एनर्जी का कुछ ऐसा ग्राफ हो जाए कंडीशन फाइड ओनली एट सिंगल वैल्यू ऑफ़ आर ये जो कंडीशन है सिर्फ एक वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाए आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है अगर इसको हम लोग आर नॉट लेते हैं तो ये कंडीशन सिर्फ आर इक्वल टू आर नॉट पे सेटिस्फाई हो रहा है आर इकोडो आर नॉट पर वी इफेक्टिव ई के बराबर है और आर नॉट के बाद वी इफेक्टिव का ग्राफ ई e से ऊपर है

एनर्जी इज वी इफेक्टिव इन उस केस में एनर्जी का ग्राफ वी इफेक्टिव को टच करता हुआ जाएगा और ये कंडीशन जो क्लासिकल सेंट्रल फोर्स मोशन का जो कंडीशन है उसी एक वैल्यू आर का सिंगल वैल्यू पे सैटिस्फाई होगा ठीक है तो ये केस सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा जहाँ पे r इक्वल टू r नॉट इज द ओनली क्लासिकली अलाउड डिस्टेंस ठीक है उस केस में जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में ही मूव कर सकता है वो और कोई पाथ नहीं ले सकता इलेप्टिकल लेगा तो आर का बहुत सारा वैल्यू चाहिए होगा उसके रेंज में वैल्यू चाहिए होगा पैराबोलिक हाइपोबोलिक में भी आर का इनफाइनाइट तक जा सकता है ठीक है तो आर का सिंगल वैल्यू तभी होगा जब इनर्जी ऑफ द सेंट्रल फोर्स मोशन इज इक्वल टू वी इफेक्टिव मिन ठीक है तो इनर्जी का जो ग्राफ होगा वी इफेक्टिव को का जो मिनिमम पोजिशन है उसको टच करता हुआ जाएगा ठीक है आप चाहें तो नॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ठीक है वी इफेक्टिव आपको दिया हुआ है आप देख लो वी इफेक्टिव आर के कौन से वैल्यू पर मिनिमम हो जाएगा ठीक है अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं देखिए देखिए अगर आर नॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल एट आर नॉट वी इफेक्टिव इज मिनिमम सो एट मिनिमम द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बी जीरो तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फोर आर क्यूब माइनस टू इंटू विल बी ए आर क्यूब जाएगा आपका आर सिक्स इक्वल टू टेन पर फोर पॉइंट दस हजार बटा दो मतलब पांच हजार हो जाएगा आर इज फाइव थाउजेंड सेंटीमीटर ये हो जाएगा आर नॉट का वैल्यू R0 का ये वैल्यू हो जाएगा ठीक है ये आर नॉट का वैल्यू हो जाएगा आपका ओके okay? चाहे तो इनर्जी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इनर्जी क्या है इफेक्टिव इफेक्टिव मिन, मिन का कहां पे इस आर के वैल्यू पे तो वी इफेक्टिव मिन इज मच वी इफेक्टिव मिन इज दिस इज अर फोर प्लस आर फोर प्लस टेंस टू पा फोर बाईर ये वैल्यू हम लोग को अगर आर नॉट पे करेंगे तो वी इफेक्टिव मिन मिल जाएगा आपको तो ये आ जाएगा आपका फाइव थाउजेंड चार बटा छ मतलब दो बटा तीन टेंस टू पावर फोर स्क्वायर मतलब वन बाई थ्री ये ऐड कर लेंगे आप तो ये आ जाएगा फाइव थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड वन बाई थ्री और यू कैन राइट इट एज अर्घ यस चीज यूनिट होता है तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 6, निकालने नहीं बोला है बट तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सेंटर फोर्स सिखाना है ठीक है तो हम लोग जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पे ही स्टिक करेंगे भी हम लोग ये क्वेश्चन लिए हैं सेंटर फोर्स सीखने के लिए ठीक हाँ, है अगला क्वेश्चन देखिए

ऐसा डिस्टेंस एग्जिस्ट कर सकता है सच दैट कि इधर किसी आर के वैल्यू पे और उस साइड किसी आर के वैल्यू पे ये पोटेंशियल सेम हो जैसे देखो इफेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग सपोज करो लाइक दिस like तो आप देख सकते हो कि आर का इस वैल्यू पे और आर का इस वैल्यू पे इफेक्टिव पोटेंशियल सेम है ठीक है अब बोल रहा कि आर वन आर टू आर नॉट वो वैल्यू निकालो सज दैट इफ आर वन इज आर नॉट आर टू इज टू आर आप आर नॉट का आर का वो वैल्यू निकालिए सज दैट आर वन के जगह पे आर वन अगर आर नॉट है तो आर टू टू आर नॉट है ठीक है मतलब आर वन आर टू में देख लो पोटेंशियल है जी यहाँ पे ये है यहाँ ही पोटेंशियल है यही है इफेक्टिव पोटेंशियल तो हम लोग को आर नॉट का वो वैल्यू निकालना है सज दैट

आर नॉट टू आर नॉट अगर यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा R यहां से हम लोग आर नॉट निकाल लेंगे यहां से आर नॉट का वैल्यू निकल जाएगा ना क्या आ जाएगा अगर आर नॉट को इधर लेते हैं तो फिफ्टीन आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा फिफ्टीन आर नॉट फोर और ये वन माइनस वन बाई फोर मतलब थ्री बाई फोर ठीक है तो so, ये फाइव हो गया ट्वेंटी है ना सो आर नोट सिक्स इज गोइंग टू बी बाई ट्वेंटी मतलब हजार बटा दो पांच सौ सो आर नॉट का वैल्यू हो जाएगा 500. Yeah. समझ में आ रहा है आपको क्लियर है ये सिंपल hmm? क्वेश्चन है ओके तो यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर फाइंडिंग सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल इफेक्टिव पोटेंशियल ये सब समझ में आ रहा है आपको ठीक है और कैसे सर्कुलर मोशन का हम लोग ये निकालते हैं कंडीशन सर्कुलर फोर्स सर्कुलर मोशन में हाउ वी इफेक्टिव मीन इज इक्वल टू इनर्जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे थैंक यू वेरी मच